नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में। मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। वक्त हो चला है फटाफट का, आइए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों से। One Crore Pulsars, join the tribe. गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर बुधवार को गोपालगंज पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले हुई पुलिस वालों से बहस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत के ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि आप लोग लोगों को मास्क लगाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। अररिया के बसंतपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 में घर में लगी भीषण आग, मोहल्ले में मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। 7 जून को अमित शाह की रैली को लेकर वामपंथी पार्टियों ने किया विरोध। प्रवासी मजदूरों के मामले में राज्यव्यापी आंदोलन करने का किया ऐलान। मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना इलाके के विष्णुपुर गांव में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। रात में सो रहे युवक को अपराधियों ने गला रेत कर की हत्या। कूलियों की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखी मांग। रेल मंत्री से कूली सेवा शुरू करने की दी मांग। पटना के कई ज्वेलरी दुकानों में पुलिस ने की छापेमारी। पिछले दिनों राजधानी में हुई चोरी की घटना की गई छापेमारी। विधानसभा उम्मीदवारों का नाम जल्द फाइनल करेगी लोजपा। चिराग पासवान पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक में किया ऐलान। पटना शहर के सबलपुर इलाके में गंगा स्नान करने गई 12 वर्षीय किशोरी को बोरी में बंधकर गंगा में फेंका। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। पटना शहर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के न्यू अम्बेडकर कॉलोनी में पत्नी के अवैध संबंध के चलते युवक ने फंदे से लटका कर दी जान। जांच में जुटी पुलिस। पटना नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मी की मौत के बाद निगम अधिकारी ने पीड़ित पत्नी को दी 25,000 की आर्थिक मदद। लालू के बड़े बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में लगातार राजद कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर जताई चिंता। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने खगड़िया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा सिर्फ गरीबों के लिए है लॉकडाउन का नियम। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी के पास बीजेपी नेता आदित्य कुमार पर जानलेवा हमला। किया गया FIR दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। मुजफ्फरपुर जिले के बाजितपुर गांव से 5 दिनों पहले लापता हुए मजदूर का सिर कटा शव हुआ बरामद। इलाके में दहशत का माहौल, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर जिले के सरारंजन एवं हलई ओपी क्षेत्र के सीमा पर ट्रक से कुचलकर 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 2 लोगों की इलाज के दौरान हुई मौत। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के बांस घाट पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना संक्रमित मिलने के कारण क्वारंटाइन सेंटर हुआ खाली। पंचायत में डर का माहौल। बेगूसराय के छौराही प्रखंड के ग्राम पंचायत अमारी के सरपंच पति अरविंद कुमार धनुटोला निवासी को अपराधियों के द्वारा मिली जान से मार देने की धमकी। आवेदन देकर थाने में जान माल की रक्षा करने एवं अपराधियों को सजा दिलाने की लगाई गुहार। बेगूसराय में शहीद होमगार्ड के जवानों के परिजनों से मिले राजद प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुशवाहा। सरकार से 50 लाख मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर के रीगा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी इंदर महतो को उसके 2 गुर्गों के साथ पुलिस ने रामनगर से किया गिरफ्तार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो
तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो।